वेलकम फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है फिर से एक नए वीडियो और एक नए टॉपिक पर। आज के इस वीडियो है क्रिस्तवम। किस समय क्रिस्तवम पौधे की कटिंग किस प्रकार से लगाएं, अगर आपने कटिंग लगा लिए हैं तो किस तरह के मिट्टी में लगाएं ताकि ज़्यादा से ज़्यादा फ्लावरिंग ले सके। तो इस वीडियो के माध्यम से पूरी जानकारी देने की कोशिश करूँगी कि इस समय गुलदौदी प्लांट की कटिंग किस प्रकार से लगा सकते हैं, अगर आपने कटिंग लगा लिए हैं तो किस तरह की मिट्टी में इस प्लांट को लगाना उचित है। तो चलिए जानते हैं। तो ये देखिए फ्रेंड्स, मेरे कुछ पिछले वीडियो का अपडेट दिखा रही हूँ जिसे समर में सेव करने के लिए इन सब की अच्छी तरह से हार्ड प्रूनिंग कर दी थी और कुछ प्लांट की कटिंग भी लगाई थी और अभी ये सभी प्लांट अच्छी तरह से ग्रो कर रहे हैं। तो अभी भी अगर आपने ये सभी काम नहीं किए हैं तो इस समय जितने भी आपके प्लांट में सूखे सीड वगैरह होंगे तो आप उसे कट कर लें और उसकी हार्ड प्रूनिंग इस समय सबसे पहले आप कर लें ताकि दोबारा से इसमें जो न्यू शूट्स और न्यू पत्ते निकले उसमें अच्छी तरह से कलियाँ और फूल बन सके। तो सबसे पहले जितने भी आपके गुलदौदी के प्लांट हैं उन सब की आप हार्ड प्रूनिंग कर लें और जो भी इस तरह के छोटे छोटे ब्रांच निकलते हैं और कोशिश करें इन सब को आप फेंके नहीं, आप इस समय इसकी कटिंग लगा सकते हैं। तो ये देखिए बिल्कुल इस तरह के आपको छोटे छोटे आपको कटिंग लेनी है और इसे लगाने के लिए बिल्कुल सैंड का यूज कर रही हूँ, यानी कि रेत। आप चाहे तो गंगा बालू भी ले सकते हैं या फिर जो भी मकान बनाने में जो सैंड बालू का यूज किए जाते हैं वो भी आप यूज कर सकते हैं। तो सबसे पहले कटिंग लगाने के लिए छोटे छोटे आपको ब्रांच काटनी है जैसे कि आप वीडियो में देख सकते हैं और नीचे से आप कोशिश करें 2 से 3 इंच तक पूरे पत्ते आप रिमूव कर लें और नीचे से 90 डिग्री आप कट कर लें। इस तरह से सभी कटिंग को आपको लगा लेनी है। तो कटिंग लगाए हुए करीब मेरे 1 सप्ताह हो गए हैं और इस कटिंग को मैंने फुल सनलाइट और मॉइस्चर देके सैंड में रखी थी। तो 1 सप्ताह बाद का आपको अपडेट दिखा रही हूँ, सभी कटिंग मेरे लग चुके हैं। तो सबसे पहले आपको इसी तरह से आपको कटिंग लगानी है या फिर जो भी आपके पुराने प्लांट है उसकी हार्ड प्रूनिंग इस समय आप कर लें। ये देखिए कितनी अच्छी तरह से ये सभी कटिंग मेरे लग चुके हैं। तो चलिए इन सभी के लिए एक अच्छे मिट्टी में तैयार करूंगी और सभी कटिंग को अलग अलग गमलों में मैं शिफ्ट करूंगी। तो इसे लगाने के लिए जो मिट्टी मैं तैयार करके पहले से रख रखी इसमें 30% के करीब सॉइल है और 20% के करीब रेत और 10% के करीब कोकोपीट मिला रखी हूँ। आप कोकोपीट की जगह राइस हस्क भी मिला सकते हैं और 10% के करीब ही कंपोस्ट मैं मिला रखी हूँ, बर्मी कंपोस्ट, और 10% के करीब ही काउडंग और थोड़े से नीम खली मिक्स करके इन सभी पौधे को मैं लगा रही हूँ। इस तरह से आप क्रिस्तवम प्लांट के लिए मिट्टी आप तैयार कर सकते हैं। तो चलिए मैं सभी को फटाफट मैं इन सब कटिंग को मैं लगा लेती हूँ और इस तरह से आप देख रहे हैं करीब जितने मेरे कटिंग थे उसके अनुसार 4 से 5 गमले मेरे बन चुके हैं। अभी जितने मेरे पास गमले अवेलेबल थे उन सभी में मैं लगा दे रही हूँ, बाकी वेस्ट पॉट में मैं लगा रही हूँ। और इसके बाद आपको करनी क्या है, इस तरह के ऊपर से आपको थोड़े थोड़े पिंच कर देनी है ताकि यहाँ से न्यू ब्रांच निकल सके। और ये देखे फ्रेंड्स, ये वाले जो एक बड़े वाले प्लांट देख रहे हैं एक कुछ पहले मैं लगाई थी और वो देखिए 2 सप्ताह बाद का आपको अपडेट मैं दिखा रही हूँ जितने छोटे छोटे वो प्लांट मेरे ग्रो हुए हैं।
यानी कि इन सभी को जो प्लांट आप देख रहे हैं, ये सभी प्लांट ये 2 सप्ताह बाद का अपडेट है। सभी कटिंग की अच्छी ग्रोथ हो रही है। तो इस समय 2 सप्ताह बाद एक फर्टिलाइज़र जो आपको इसमें यूज करनी है वो है मस्टर्ड केक का लिक्विड फर्टिलाइज़र। तो सभी में मैं मस्टर्ड केक फर्टिलाइज़र भी डालूंगी। आप चाहें तो इस समय DAP के 2 से 3 दाने भी डाल सकते हैं। और एक काम आपको इस समय और भी करनी है ताकि आपके प्लांट घने दिखें, तो वो है पिंचिंग। तो जितने भी आपके ब्रांच निकले हैं ऊपर से आपको थोड़े थोड़े इस तरह से ये देखिए कट कर देनी है, इस तरह से सभी पौधे में। तो इस तरह से और भी बहुत सारे ब्रांच इसमें निकलेंगे। जितने ब्रांच निकलेंगे उतने ही मात्रा में इसमें कलियां और फूल भी देखे जाएंगे। तो ये काम भी बहुत ही ज़रूरी है फर्टिलाइज़र देने के बाद, यानी कि पिंचिंग करना। इस तरह से आप सभी पौधे में आप पिंचिंग कर लें ताकि आपके प्लांट में बहुत सारे ब्रांच निकल सकें और आपके प्लांट घने दिखें। तो फ्रेंड्स, आने वाले वीडियो में फिर इसका अपडेट मैं दिखाते रहूँगी और कौन सा फर्टिलाइज़र मैं समय समय पर यूज करूँगी वो भी वीडियो में शेयर करूँगी। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो पर, तब तक के लिए धन्यवाद।